ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। बेटे आज की अगर हम मैं तारीख की बात करूं तो आज 20 मार्च 2020 है, और कल रात को कुछ घंटे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बेटे कुछ हमारे को अनाउंसमेंट की, कुछ बातें की, अपनों से अपनी सी बात। और मैं आप सभी जो बच्चे CS कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन के लिए जून में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, या जो भी है अभी एज सच कोई लीगल अनाउंसमेंट नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आई। बट मैं आज आपके साथ कुछ मन की बातें करने के लिए आया हूं, अपनों से अपनी सी बात। बेटे इस समय हमारे पूरे देश में एक त्रासदी सी आ चुकी है, और हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ी सी बातों का ध्यान दें तो हम लाइफ में और अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। पहली बात मैं जो कहना चाहूंगा आप सभी को वो ये है कि बेटा नॉलेज इज पावर। मैं हमेशा ही बोलता रहता हूं कि ज्ञान से ही आप आगे जा सकते हैं। सरस्वती एक ऐसा धन है जिससे आप सारे धन लेके आ सकते हैं, बट उससे भी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा टुडे इज हेल्थ। बेटे अगर आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है तो आप ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वायरस को छोटा ना माने, आप इसमें बड़ा स्ट्रिक्टली सब बातों का ध्यान रखें जो हमारा गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी हमें बताया जा रहा है बेटे उसको फॉलो करें। और मोदी जी ने जैसे बताया 22 मार्च संडे को बेटे हमें जनता कर्फ्यू को फॉलो करना है। हम अपने घर से सुबह सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक ना निकले, और शाम को 5 बजे हम कुछ 5 बजे 5 मिनट के लिए, जैसा मोदी जी ने कहा, हम उस चीज़ को फॉलो करें। उसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। थोड़े दिन आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान ना दें, आप इस चीज़ में ध्यान दें, स्टडी एट होम। बेटे लेक्चर्स इस समय आप क्लासरूम लेक्चर्स में ना जाएं, बेटे भीड़ भाड़ एरिया में मत जाएं, बेटे फेस टू फेस की क्लासेस बिल्कुल ना करें, घर में पढ़ाई करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें। और बेटे ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं, या आपको जो भी अच्छे लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप घर में पढ़ाई करें, क्योंकि कोरोना वायरस का हम लड़ाई करके उससे जीतना चाहते हैं। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मेडिटेशन करें और दूसरों की हेल्प करें। कहते हैं जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। इस समय आपको इन सभी सावधानियों को बरतना है। थोड़ा सा पढ़ाई में नो डाउट पढ़ें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मोदी जी जैसा कहते हैं हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है। मैं क्योंकि आप सब घर में इस समय पढ़ रहे हैं, तो बेटे मेरे को ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट है, जैसे CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो हैं ओल्ड सिलेबस के, और CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के, उनका लास्ट अटेम्प्ट है जून 2020। तो मैंने आपके लिए कुछ बातों को सोचा, और मुझे ऐसा लगा क्योंकि इस समय आप फेस टू फेस के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगा कि मैं मेरी तरफ से, भूपेश आनंद की तरफ से, इस इकोनॉमी को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को कुछ एक नई बात दी जाए। क्योंकि आप घर में बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से, बाहर आतंक फैला हुआ है, तो आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है और घर में पढ़ाई करनी है। तो बेटे मैंने अपने जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका, अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो बेटे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने उनका प्राइस काफ़ी कम कर दिया है। आप चेक करें, मैंने सिर्फ इस वीक के लिए, इस वीक के लिए ये प्राइस कम किया है। आप कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर अटेंड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बेटे 4500 रुपीज़ में मैंने ये प्राइस रखा है। जो प्राइस 8000 था, मैंने कोरोना वायरस की वजह से इसका प्राइस आधे से भी आधा कर दिया। तो उम्मीद है आप इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे और उसको अवेल करेंगे। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो लास्ट चांस है जिन मेरे दोस्तों का, जिन मेरे फ्रेंड्स का, जिनका प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस या एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में है, तो बेटे आखिरी मौका है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, आपको न्यू सिलेबस में जाना होगा, कुछ पेपर्स और करने होंगे। मैं तो समझता हूं कि आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी छोड़ दीजिए, ट्यूशन
ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी छोटी क्लास को, उसको भी छोड़ दीजिए। इस समय एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे अर्जुन का एक ही ऑब्जेक्टिव था, फोकस्ड। बेटे जब आप फोकस लाएंगे तो आने वाले 2 महीने अभी अप्रैल मई के हैं और बेटे 10 दिन इसके हैं, आप क्या से क्या नहीं कर सकते कयामत से कयामत तक। और आपको मैंने कहा कि आपको कहीं इस समय जाना नहीं है, जाना नहीं है मतलब क्लासरूम की कोचिंग बिल्कुल अटेंड नहीं करनी, तो हमने पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के कुछ प्राइजेस को कट कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ इस आपकी हेल्प करूं। तो मैंने बेटा ये चेक करिए, 5300 जो हम पेन ड्राइव का था प्राइस, अब 4300 कर दिया, गूगल ड्राइव का भी और कम कर दिया। अगर आप ITSA का लेते हैं तो आपके प्राइस आपके सामने हैं, FTFM, ITSA और एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी का प्राइस लेते हैं, तो बेटे थ्रो अवे प्राइजेस, कोरोना वायरस के वजह से हमने सारे प्राइजेस कम कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स आपने देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, आप घर में बैठ के पढ़ेंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात बेटे, हमने कुछ बुक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंटली अपने लिए आपके लिए बनाई हुई हैं, ये मैंने कोलार्ज बनाया है, ओल्ड सिलेबस की बुक्स भी हैं, न्यू सिलेबस की बुक्स भी हैं, कभी लगभग 50 बुक्स हैं जो अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मेक माई डिलीवरी में और हमारी अपनी साइट के थ्रू बिकती हैं। तो बेटे अलग अलग प्रकार की बुक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने उन सब का प्राइस बड़ा कम रखा हुआ है। इकोनॉमिक बिजनेस लॉ की बुक है बेटे, फ्लो चार्ट्स की बुक है, थ्योरी की बुक है, सिक्योरिटी लॉस की है, सेटिंग ऑफ अ बिजनेस की है, जुरिस्प्रूडेंस की है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की है, और इवन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने 2 बुक्स बनाई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 बुक्स बनाई है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 2 बुक्स बनाई है बेटे। एक बनाई है थ्योरी कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, क्योंकि उसके बिना आप MCQs कर ही नहीं पाएंगे, और सेकेंड बुक है बेटे बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने बेटे 3D फॉर्मेट में बनाया, कंसेप्ट्स बनाए, उसके बाद हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स बनाए, और उसको जो MCQs है उनकी 5 कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे एक कैटेगरी आती है बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप में पहली कैटेगरी आती है MCQ, दूसरी कैटेगरी आती है ट्रू एंड फॉल्स, तीसरी कैटेगरी आती है फिलिंग द ब्लैंक्स, फोर्थ कैटेगरी आती है मैच द फॉलोइंग, और फिफ्थ कैटेगरी आती है केस स्टडी। अभी मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा अपनी बुक का, जिसको हमने इस तरह से प्रिपेयर किया। सारी ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स बेटे हमने इसी फॉर्मेट में बनाई है, आप देखिए मैंने आप ही के लिए कितनी मेहनत की है। और क्योंकि कोरोना वायरस का है और आप घर में बैठे हैं इस समय और आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने इसमें बुक्स में भी काफ़ी सारे प्राइजेस लेस कर दिए हैं, आप डायरेक्टली हमारे से ले सकते हैं, और डायरेक्टली आप कहीं से भी बेटे, कुछ ऐसी वो वाली बात नहीं है, आप अमेजोन से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से लीजिए, ओल्ड सिलेबस की भी बुक्स हैं, न्यू सिलेबस की भी बुक्स हैं, आपके सामने स्क्रॉल हो रही हैं, थ्योरी की बुक्स हैं। मैंने लगभग 25-26 किताबें नई और ओल्ड मिलाकर CS के लिए अलग से बनाई हैं। ऐसी हमने CA की बनाई हैं, ऐसे ICW की बनाई हैं, ऐसे CFA की बनाई हैं, ACC की बनाई हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको मैं कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा करा सकूं। बेटे इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाऊं, तो मैंने किसी भी चैप्टर को क्या किया है बेटे, कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। पहले जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ऐसी सारी बुक्स बेटे जो जितनी भी बुक्स हैं हमारी, मैंने उन सबको कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। जैसे इसमें देखें आप कंसेप्ट, जैसे ये चैप्टर है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, तो हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट में डिवाइड किया है, और उसके बाद उन कंसेप्ट के हमने क्वेश्चंस बनाए, कंसेप्ट के अंदर हमने क्वेश्चंस बनाने शुरू किए हैं। आप देखिए ये देखिए, उसके पहले थ्योरी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम एक बुक दे रहे हैं थ्योरी एंड कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल, उसके थ्योरी है बेटे, और वो कहाँ कहाँ पर आई है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, ओल्ड सिलेबस, सब कवर किया है। और फिर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए हैं बेटे, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैंने क्या किया बेटे, देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी हमने आपके लिए बेटे कंसेप्ट 1-4 आप देख रहे हैं बेटे, ये देख रहे हैं, कंसेप्ट वाइज हमने आपको बातें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। बेटे देखो ये मैंने कंसेप्ट्स लिखे हैं, अब मैंने सभी कुछ कंसेप्ट्स को डिवाइड किया, और इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस MCQs भी कंसेप्ट वाइज लिख दिए और उनकी कैटेगरीज बना दी, और पैसे इतने कि आप फोटोकॉपी कराएंगे उससे भी कम आपको पैसे यहाँ देने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये एक यू नो स्टेप है आप सबकी हेल्प करने का। आप बिल्कुल ठीक रहें, खुश रहें, पढ़ाई करें,
पॉजिटिवली चलें और आने वाले दिनों में पास होकर दिखाएं और अपनी सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखें। इन्हीं 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 इस ऑब्जेक्टिव से मैंने वीडियो लेक्चर के प्राइजेस भी कम किए, मैंने आपके सामने बुक्स के प्राइजेस भी कम किए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।